बैक ऑन एक्सप्लोर विद एमी। स्वागत है आपका पिंक सिटी जयपुर में। हम लोग हो चुके हैं रेडी आज का दिन अपना जयपुर में एक्सप्लोर करने के लिए। बहुत मज़ा आने वाला है, बस मौसम साथ दे हमारा, क्योंकि बारिश कल रात को भी काफ़ी थी। होपफुली आज ना हो बारिश, तो हम लोग आज अभी सबसे पहले अभी तो हम लोग कर रहे हैं अपने होटल में। अगर आपने मेरा लास्ट व्लॉग देखा होगा तो हम लोग ने चेकिंग किया था कल शाम को, HR पैलेस या बानी रोड पर है ये होटल में हमने चेकिंग किया था। रूम टूर में आपको देख चुकी हमने लास्ट व्लॉग में, तो आप उसमें चेक कीजिएगा। रूम जो हमें पड़ा है दो रूम चार लोगों के लिए अराउंड 8000 रुपीज़ में इंक्लूडिंग टैक्सेस। अभी हम लोग जा रहे हैं यहाँ पे टेरेस में, इन लोगों ने रेस्टोरेंट बनाया हुआ है, तो आज का हमारा ब्रेकफास्ट वहीं होगा। पापा की तबीयत ख़राब है, पापा का आज बर्थडे भी है, तो वो आज थोड़ा भी रेस्ट करेंगे सो दैट हम शाम को इन्जॉय कर पाए। तो अभी हम तीनों लोग ही जाएंगे एक्सप्लोर करने के लिए, तो अभी चलते हैं, सबसे पहले ब्रेकफास्ट करते हैं। ये यहाँ पे इन्होंने रेस्टोरेंट बनाया हुआ है रूफ टॉप पे, तो यहीं पे करेंगे ब्रेकफास्ट, बिकॉज पापा बाहर नहीं जा सकते अभी, पापा थोड़ा रेस्ट करेंगे। तो आ गए हमारे गर्मा गर्म पराठे। ये तो इज हैविंग प्याज का पराठा है, जो तुम्हारा आलू प्याज ये नीचे से निकाला नहीं, नहीं 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 नहीं। सही है, ओके ओके है, तो क्रिस्पी नहीं है। अच्छा ठीक है, चलो ब्रेकफास्ट कर लेते जल्दी से। तो निकल चुके हैं हम लोग, ब्रेकफास्ट हो चुका है, ब्रेकफास्ट ठीक ठीक था, एकदम मज़ा नहीं आया, तो मैंने अभी पेट पर जगह बना के रखी है, सोचे मार्केट में जाके कुछ मज़ेदार खाया जाए। अभी हम लोग जा रहे हैं हवा महल, जहाँ से हमारा होटल है वहाँ से सिर्फ 4 किलोमीटर का डिस्टेंस है एंड 20 मिनट्स अराइवल टाइम दिखा रहा है, पूरा येल्लो। वही है जयपुर, थोड़ा है कंजस्टेड है, थोड़ी भीड़ रहती है यहाँ पे। हम लोग पहुंच चुके हैं यहाँ पे, यहाँ हवा महल के आगे जाके पार्किंग है, बहुत सारी है वैसे तो पार्किंग। लोगों से थोड़ा ना आप संभल के रहिए जो गाइड लोग होते हैं, बिकॉज वो ना अपने बेनिफिट के लिए बोल देते हैं यहाँ गाड़ी नहीं खड़ी होगी वहाँ गाड़ी नहीं खड़ी होगी। तो अगर आप फर्स्ट टाइम आ रहे हैं बस, तो गाइडेंस भी नहीं है, बट आप थोड़ा सा एक अगर देखते हुए चलेंगे तो आपको पता चल जाएगा, बिकॉज वो लोग ना जिनके एरिया डिवाइडेड होते हैं, क्योंकि वहाँ पे उनके गाइड्स भी होते हैं, ई रिक्शा होते हैं, वो पूरा मार्केट घुमाते हैं। सबसे पहले हम लोग जाएंगे हवा महल, फिर हवा महल से निकलने के बाद हम लोग यहाँ की जो ये नीचे लोकल मार्केट है, यहाँ पे जौहरी बाज़ार है, बाबू बाज़ार सारे इसी उसमें है, इसी सराउंडिंग में है, तो हम लोग वो कवर करेंगे। और मज़ा आने वाला है, तो शॉपिंग में ऊपर से खाने पीने में, और हवा महल पे जाके तो हवा लगती है ऊपर ठंडी ठंडी। ये लाइन देखिए यहाँ पे टिकट के लिए कितनी लंबी लाइन है, बट गुड थिंग इज लेडीज की लाइन अलग है, तो एमी को बड़ी जल्दी से टिकट मिल जाएगी। अगर मैं लगता लाइन में यहाँ तो मुझे कम से कम लग रहा आधा घंटा लग जाता टिकट लेने में। वेरी फास्ट, बहुत फास्ट आया था। तो फ्रेंड्स यहाँ पे सारी हिस्ट्री लिखी हुई है हवा महल की, 1799 AD में बना था, और यहाँ पे 365 विंडोज है टोटल, और ऊपर जाके जो हवा आती है विंडो की, ये बनवाया था महाराज सवाई प्रताप सिंह ने। चलिए और दिखाते हैं आपको जितने भी विंडोज हम यहाँ पे दिखा पाएंगे, और सच में जो हवा आती है ना, कितना भी गर्म मौसम हो इस टाइम पर, पता नहीं ऐसा क्या है कि जो वो हवा आती है उनकी ठंडी ठंडी लगती है। एकदम
फाइव फ्लोर बिल्डिंग है, आप एक एक फ्लोर ऊपर चढ़ते जाइए और व्यू और ब्यूटीफुल होता जाएगा। अभी हम लोग चलते हैं, आपको दिखाते हैं। तो अभी हम लोगों एंट्री की थी, हमने वहाँ से सामने से एंट्री की थी। अभी हमें फर्स्ट फ्लोर पे, अभी तो यहाँ पे फाउंटेन्स भी बंद है, जो तो फाउंटेन्स भी चलते हैं तो बहुत ब्यूटीफुल लगता है। पर अभी ना एक प्रॉब्लम है यहाँ पे ना, इन्होंने खिड़कियाँ जो है ना वो बंद की हुई है। अगर आप आज से आएंगे, मेरे ख्याल से 8-7 साल पहले, तो विंडोज़ बहुत ज़्यादा ओपन थी। अभी विंडोज़ इन्होंने पहले के मुकाबले में कम कर दी है, तो हवा उतनी अच्छे से नहीं आ रही है। आई थिंक ऊपर जाएंगे तो फिर मज़ा आएगा। चलते हुए आ चुके हम लोग एकदम टॉप पे, और यहाँ से जो व्यू आता है ना पूरे सिटी का, बहुत ही अमेजिंग व्यू आता है। ये सामने हर जगह से मैं वही दिखा रही हूँ आपको, आमेर का किला वो नीचे, और इधर साइड पूरा सिटी का अमेजिंग। अभी इस टाइम पे बहुत ज़्यादा रश है, बहुत ज़्यादा, और स्पीड बहुत तेज है, एकदम तड़कती भड़कती। जयपुर में आने के तो बेस्ट 2-3 महीने ही होते हैं, नवंबर से लेकर जनवरी तक ही आप आ सकते हो, बाकी तो बहुत गर्मी है। तो लकी हो आप, जैसे हम लोग के अभी सुबह बहुत अच्छा मौसम था, बट इस टाइम मौसम बहुत तेज़ धूप हो चुकी है। हम लोग प्रे कर रहे थे बारिश चली जाए, बट बारिश तो चली गई है, लेकिन और आसपास एकदम साफ हो चुका है और एकदम तड़कती धूप आ चुकी है। बट कोई नहीं, फिर भी ये सब भूल जाते हैं थोड़ी देर के लिए। जब हम लोग घूमने आते हैं तो क्या दुख दर्द, पसीना, धूप, गर्मी सब भूल के फिलहाल जहाँ पर हो उस मोमेंट को एंजॉय करो। दे रही होगी हवा की आवाज़ इसमें। यहाँ पे आगे थोड़े से हम लोग खड़े हुए हैं, अच्छी हवा लग रही है। आज हम लोग बोल रहे होंगे कि व्यू ब्लॉक करके खड़े हैं, पर क्या करें, इतना अच्छा लग रहा है, चलने का मन ही नहीं कर रहा है यहाँ से। इतनी पतली पतली सीढ़ियाँ हैं यहाँ पे, एक टाइम में एक ही बंदा जा सकता है। यहाँ पर एक स्कल्पचर गैलरी भी है, काफ़ी पुरानी है, 1415 एडीज के स्टैचूज हैं यहाँ पे। 8th और 9th सेंचुरी, ओह माय गॉड, ये तो मैं फर्स्ट टाइम देख रही हूँ। आई थिंक स्किप कर दिया होगा पहले। ये भी 10वीं सदी की है, यह है 17वीं सदी, देखिए। सो ब्यूटीफुल, इंडिया की हिस्ट्री बहुत फैसिनेटिंग है, सच में बहुत फैसिनेटिंग है। प्राउड टू बी इंडियन। ये पूरा है, एक छोटा सा हॉल ही है, ये ऐसे छोटा सा स्ट्रक्चर बनाया हुआ है गोल में। बहुत मज़ा किया हमने यहाँ पे, मैंने तो बहुत सारे पिक्चर्स क्लिक कराई हैं। थोड़ी भीड़ तो है इधर उधर करके, भीड़ तो मेरे टैलेंटेड पति ने बहुत अच्छी अच्छी पिक्चर्स क्लिक करी है मेरी। अब हम लोग जा रहे हैं यहाँ से, धूप भी चली गई है, वही है लुका छुपी हो रही है सूरज की हमारे साथ। अभी धूप चली गई है, थोड़ा सा राहत मिली है, अब चलते हैं। काफ़ी देर भी हो गई है हम लोग को यहाँ पे घूमते हुए, अब मार्केट जाएंगे नीचे और मार्केट में थोड़ी जाके शॉपिंग करेंगे और थोड़ा कुछ चटपट खाएंगे। क्या खाओगे? कचौड़ी, यहाँ पे फेमस है प्याजी कचौड़ी। तो आ चुके हैं हम लोग मार्केट में, काफ़ी ज़्यादा वैरायटी है यहाँ पे सूट्स की, साड़ीज़ की, ब्लॉक प्रिंटिंग में ड्रेसेस हो गई, बेडशीट्स हो गई, एंड फुटवेयर्स की तो बहुत सारी शॉप है यहाँ पे। जूतियाँ चप्पल की तो इतने ऑप्शंस मिल जाएंगे यहाँ पे आपको जयपुर मार्केट में। उदयपुर मार्केट तो कुछ भी नहीं था इसके सामने सच में,
बहुत वैरायटी है यहाँ पे। हाँ जी भैया दिखा दो। अच्छा लग रहा है। ये मैंने उदयपुर से ली थी। तो हो चुकी है मेरी शॉपिंग। सबसे पहले चप्पल ले लिया मैंने। सबसे बेस्ट बात है यहाँ पर पेटीएम चलता है, तो आपको कैश कैरी करने की ना ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। आजकल हर जगह पेटीएम एक्सेप्ट होता है। चलो आप कहीं और चलते हैं, कुछ और देखते हैं। तो कर रहे हैं यहाँ पे शॉप पे सूट की एंड बेडशीट की शॉपिंग। वैसे तो हमने उदयपुर से भी की थी, बट यहाँ से भी देखते हैं। तो ये कॉटन की ब्लॉक प्रिंटिंग वाली जो बेडशीट्स हैं, इनके प्राइजेज ऐसी 400 रुपीज़ से स्टार्ट है। बाकी जैसे जैसे आप क्वालिटी अगर इम्प्रूव करते जाएंगे तो उस हिसाब से चार्जेस होते जाएंगे। बाकी बार्गेनिंग भी होती है यहाँ पे। जो क्विल्स वगैरह हैं ये आपको 1500-2000 तक की रेंज में मिल जाएंगे। कपड़ा है देखो, बड़े को जमा है, छोटे को नहीं है। चीज बहुत बढ़िया है, ये चीज शानदार है। ये क्या है इसका? लेदर है। लेदर है, प्योर लेदर। आपको बॉडी पे, अपनी बॉडी पे ये एक शॉप है जयपुर ब्लू पॉटरी आर्ट एंड क्राफ्ट, जयपुर मार्केट में। एंड दे आर द मैन्युफैक्चरर्स। तो बहुत ही सुंदर 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 यहाँ पे प्रोडक्ट्स हैं। एमी को प्रोडक्ट पसंद आए हैं, जो इसको बहुत टाइम से लेना भी था। सो फाइनली एमी भैया आपको ऑनलाइन लिए? हाँ, ऑनलाइन लिए इंडिया मार्ट के ऊपर। इंडिया मार्ट के ऊपर ये एक्चुअली मैन्युफैक्चरिंग है, तो वो ऑनलाइन भी है और ऑफलाइन भी। अगर आप यहाँ पे आते हो हवा महल घूमने तो जरूर आना। इस शॉप 138 नंबर शॉप है, 138 नंबर शॉप है, जयपुर ब्लू पॉटरी आर्ट एंड क्राफ्ट के नाम से। गाइज हो चुकी है हमारी शॉपिंग। बहुत बहुत सारी शॉपिंग करनी है। ओ गॉड, गाड़ी की पूरी डिग्गी भर चुकी है सामान से। चलते हैं अब। हम लोग खाएंगे प्याज की कचौड़ी। हम लोग सोच रहे मार्केट में कुछ खाए, बट हमें भैया ने बताया है कि यहाँ पे ना एक रावत है फेमस बहुत, जो प्याज की कचौड़ी देता है बहुत अच्छी। तो हम लोग जा रहे हैं, अभी निकल रहे हैं यहाँ से मार्केट से, सीधा रावत की गाड़ी पे जाके दुकान करनी है। सीधा रावत की दुकान पे जाके अब गाड़ी रुकनी चाहिए। अब कुछ खाना है यार, बहुत भूख लगी है, बहुत तेज भूख लग रही है। हाँ चल रहा है, तेरे को बहुत भूख लग रही है। सच में कुछ भी बोल रही हूँ। बहुत मजा आ गया यार शॉपिंग करके। मैंने तो बहुत कुछ सामान लिया है, अपने रूम के लिए भी लिया है, गिफ्ट करने के लिए भी लिया है। मजा आ गया। जितने दिनों के बाद, मेरे को आई थिंक 3-4 साल हो गए जयपुर आए हुए। अब 3-4 साल के बाद अब जयपुर का चक्कर लगा है। अब उसके बाद कब आना होगा, तो फिर इसलिए बंद की थी शॉपिंग को। अभी तो मुझे लग रहा है कि आधा ही मार्केट घूमा है मैंने, उसी में शॉपिंग हो गई है इतनी। पर साथ में और लोग भी हैं जो थक जाते हैं, हमें तो थकान होती है शॉपिंग करते हुए। चलो अब चल रहे हैं, यहाँ से निकल चुके हैं। अब हम लोग खाएँगे गर्मा गर्म प्याज की कचौड़ी। रावत, ओ माय गॉड कितनी बड़ी दुकान है। रावत एम्पायर लिखा हुआ है, रावत मिष्ठान मिला रावत कचौड़ी। वाह, कुछ लग रहा है मज़ा आने वाला है भाई। यहाँ पे ना पीछे रेस्टोरेंट है इन्हीं का, रावत जो है यहाँ पर जस्ट उसके बराबर में। तो हम लोग यहाँ
के खाएंगे, बिकॉज वहाँ पे ज़्यादा सिटिंग नहीं है, सिर्फ खड़े होकर खाने का ऑप्शन। देखिए कितना बड़ा रेस्टोरेंट बनाया हुआ है, इतना बड़ा तो ओपन एरिया है यहाँ पे, कितना बड़ा रेस्टोरेंट। खाली है इस टाइम पर, क्या खा रही है? भैया सर मिर्ची नहीं दोगे? खाली ऐसे कचौड़ी, मिर्ची देते ना साथ पे। क्या खा कर रही है? प्याज की कचौड़ी, इतनी जैसे तो बोल रही हूँ प्याज की कचौड़ी। सब दुनिया को पता चल गया होगा सुबह से कि मैं प्याज की कचौड़ी खाना चाह रही हूँ। कैसी है? वो मज़ा नहीं आ रहा जो मैंने लास्ट टाइम खाया था, आई थिंक बापू बाज़ार में, वो नहीं है। ओके ओके, तो हम लोग जा रहे हैं होटल वापस, यहाँ पे बिल्कुल मज़ा नहीं आया, पेट भर गया है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी गाइस, ज़रूर इसको लाइक एंड शेयर कीजिएगा, एंड अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ 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 जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अब मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, टिल देन बाय, टेक केयर।